मुंबई टेस्ट में सोमवार को भारत ने न्यूजीलैंड पर अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए दो टेस्ट मैचों की सीरीज को 1-0 से अपने नाम कर लिया। मैच में युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिस पर भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने सोमवार को कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जिम्मेदारी लेने के लिए भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों को आगे आते हुए देखकर अच्छा लगा। उन्होंने आगे कहा कि सीनियर खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। भारत ने सोमवार को वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड पर 372 रन की बड़ी जीत के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज का जीत के साथ समापन किया। द्रविड़ ने मैच के बाद ब्रॉडकास्टरों के साथ बातचीत में बताया, एक जीत के साथ टेस्ट सीरीज समाप्त करने के लिए टीम इंडिया को बधाई। कानपुर में टीम जीत के बहुत करीब थी, लेकिन वह आखिरी विकेट नहीं ले सकी और मैच ड्रॉ हो गया। द्रविड़ ने युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए कहा, उनको आगे बढ़ते हुए और अपने अवसरों का लाभ उठाते हुए देखकर अच्छा लगा। हमें कुछ सीनियर्स की कमी खल रही थी, लेकिन युवाओं ने उस कमी को पूरा कर दिया। टेस्ट सीरीज में युवाओं के अच्छे प्रदर्शन के बारे में आगे बात करते हुए द्रविड़ ने कहा, जयंत यादव को तीसरे दिन गेंदबाजी करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन चौथे दिन जयंत फॉर्म में थे और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 4 विकेट लिए। इनमें से बहुत से लोगों को टेस्ट में ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन श्रेयस अय्यर, मयंक अग्रवाल, अक्षय पटेल और जयंत ने टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। द्रविड़ ने न्यूजीलैंड को पहली पारी में महज 62 रन पर आउट करने के बावजूद फॉलो ऑन लागू न करने के बारे में भी बताया। भारतीय कोच के अनुसार, हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी, हमारे पास बहुत समय था और हम जानते थे कि हम उन्हें आउट कर सकते हैं। साथ ही बहुत से युवाओं को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बल्लेबाजी करने का मौका चाहिए था। 48 साल के द्रविड़ के मुताबिक प्लेइंग 11 के चयन के मामले में अब टीम के पास बहुत सारे विकल्प हैं। भारतीय टीम एक अच्छी स्थिति में है, खेल के दौरान कई खिलाड़ियों को चोट आई थी, जिसके बाद भी टीम के पास विकल्प मौजूद थे और आगे मैचों में ऐसा ही होने वाला है। भारत का अगला दौरा 26 दिसंबर से शुरू होने वाला है, जिसमें वे दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेलेंगे। आपको बता दें कि भारत ने मुंबई टेस्ट में 372 रनों से न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हासिल कर अपना ही रिकॉर्ड 5 साल बाद तोड़ा है। इससे पहले 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 321 रन, 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 337 रन और 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 320 रन से जीत हासिल की थी। इसके साथ ही भारत ICC T20 टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बन गया है। न्यूजीलैंड की टीम खिसक कर दूसरे नंबर पर पहुँच गयी। वहीं घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज आर अश्विन, जिन्होंने 300 विकेट लिए, कपिल देव, जिन्होंने 219 और हरभजन सिंह, जिन्होंने 265 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अनिल कुंबले 350 के बाद दूसरे नंबर पर नाम दर्ज किया है। न्यूजीलैंड के स्पिनर अजास पटेल ने सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं और वे तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है, जिसे लेकर अश्विन ने भी उनकी प्रशंसा की। आई रिपोर्ट।